असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है और पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में लाना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए। देश में समान नागरिक संहिता लाना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें 400 से अधिक सीटों की जरूरत है। 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था से ऊपर ले जाने के लिए हमें 400 से ज्यादा सीटों की जरूरत है। ईडी और सीबीआई को मजबूत करने के लिए भी हमें 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। हमें झारखंड में कुल 16 सीटें मिलने जा रही हैं और आगे चलकर नवंबर में झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनेगी। और वो जम्मू कश्मीर को पूरा की पूरा भारत में लाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी और वो संविधानिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें 750 सीट चाहिए। हम यूनिफॉर्म सिविल को देश में लाना हमारा संविधानिक जिम्मेदारी है। उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए यूसीसी लाने के लिए हमें 750 से ऊपर सीट चाहिए। हमारा देश का इकोनॉमी अमेरिका और चाइना से भी 2047 ऊपर ले जाने के लिए हमें 750 से ऊपर सीट चाहिए। आरक्षण एसटी को भी है, शेड्यूल कास्ट को भी है, एबीसी को भी है, लेकिन एक तोड़ में मुसलमान को ना मिले। इसके लिए हमारा जो संविधान सभा ने हमको निर्देशित करके दिया है कि आरक्षण जाति का आधार में होगा, आरक्षण धर्म का आधार में नहीं होगा, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए मुसलमान रिजर्वेशन खत्म करने के लिए हमें